ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध घूम रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी 8 बदमाश कार और बाइक से सवार थे। जब पुलिस ने इनकी गाड़ियों की तलाश की तो उसमें अवैध हथियार भी बरामद किए, जिसमें देशी कट्टों सहित कुछ लाइसेंसी हथियार हैं। पकड़े गए बदमाशों में एक नाबालिग युवक भी शामिल है। ये सभी आरोपी किसी जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर हथियार लेकर टेरर जमाने घूम रहे थे। पुलिस ने नाबालिग बदमाश को छोड़ दिया है। अब पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ चल रही है। मौके पर CSP को देर रात थाने भेजकर मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्वालियर जिले में थाना पुरानी छावनी में, जो ग्वालियर और मुरैना के बॉर्डर पर स्थित है, आज कार्रवाई करते हुए पुरानी छावनी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग में 2 लोगों को एक मोटरसाइकिल पर रोका गया। उनके पास हथियार की सूचना थी पुलिस को। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। वाहन को रोक के उनकी पूछताछ करने पर उनके पास अवैध हथियार मिले। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उन कहाँ से लेके आए हथियार, कहाँ बेचने जा रहे थे और क्या काम करते हैं, ये पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। और उनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन थानों में और उन प्रकरणों में क्या चल रहा है, इसकी भी जानकारी।